बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमपथक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें इसहाबी दर्दें उसके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इसहाबी दर्दों के बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिकॉलोजी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, बाज़ इसहाबी कमजोरी की वजह से पट्ठों में दर्दें जो कि खिंचाव के साथ होती हैं, ये अलामत जिस दवाई से ठीक होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। पट्ठों की कमजोरी तमाम औरतों में, मर्दों में अक्सर आपको देखने में मिलेगी और पट्ठों की कमजोरी की वजह से पट्ठों में अक्सर दर्दें रहती हैं। दोस्तों, ये दर्दें जिस्म में खिंचाव के साथ होती हैं। अगर ये अलामत किसी भी औरत या मर्द में पाई जाए तो उसके लिए जो बहुत ही अहम एक दवाई आपको मैं बताने लगा हूँ जिससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, वो है कास्टिकम। दोस्तों, कास्टिकम की इसहाबी कमजोरी जो कि दर्दों की शक्ल में जहर होती है और उसमें खिंचाव यानी ड्राइंग पेन बहुत ज्यादा महसूस होती है, तो वहां पे आप कास्टिकम दवाई लेने से बहुत फायदा उठा सकते हैं। कास्टिकम की डोज 200 में एक खुराक लेने से इससे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, बाज़ ये पट्ठों की कमजोरी जिसका मैंने पहले जिक्र किया दर्दों की शक्ल में खिंचाव के साथ आती है तो कई मरीजों में इसकी हिस्ट्री अग्जीमा से जा मिलती है, यानी अगर अग्जीमा को दबा दिया जाए और जिसकी वजह से बाद में जिस्म में कमजोरी और पट्ठों में दर्दें महसूस होने लगें, जो कि मरीज अक्सर पेन किलर यानी दर्दों की दवाइयाँ खा खा के थक जाता है और दर्दें ठीक नहीं होती, तो वहाँ पे दोस्तों कास्टिकम से आप बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक वजाहत करता चलूँ कि अक्सर ऐसे मरीजों को डॉक्टर हजरात सल्फर रिकमेंड करेंगे, लेकिन दोस्तों अगर सल्फर देने से भी फायदा नहीं होता तो भी वहाँ पे कास्टिकम बहुत ज़्यादा फायदा करती है। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर करें। वस्सलाम।